नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में मौसम के मिजाज की बात करें तो थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन तापमान में वृद्धि हो रही है। दिन में भले ही लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन धूप खिलने के साथ ही लोगों के पसीने भी छूट रहे हैं। और यही वजह है कि अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि बिहार में अलग अलग जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का और किन जिलों के हालात क्या रहेंगे, अगले कुछ दिनों में तापमान में कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। 12 डिग्री सेल्सियस के साथ पूसा सबसे ठंडा रहा, वहीं 31.1 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया सबसे ज्यादा गर्म रहा। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसमी आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा के प्रवाह से प्रदेश के तापमान में धीरे धीरे क्रमिक वृद्धि होने के आसार है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने ये ताज़ा अपडेट जारी करते हुए अगले 5 दिनों के लिए यह अनुमान जताया है, जिसमें मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिन में तेज धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, और यही वजह है कि पछुआ हवा का प्रवाह अब बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ तापमान में थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि भी दर्ज की जा रही है, और यही वजह है कि अगले 5 दिनों तक दिन के समय और साथ ही साथ रात के समय लोगों को ठंड से अब राहत मिलेगा और गर्मी लोगों को सताने वाली है। वहीं अगर हम आगे मौसम के मिजाज की बात करें कि आगे कुछ दिनों में बिहार में मौसम का हाल क्या रहेगा, तो इस बार भयंकर गर्मी पड़ने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।